घर के आसपास मिलने वाली आयुर्वेदिक पत्तियों से शरीर की हर एक बीमारी को खत्म कैसे करना है, ये आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है, तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या रास्ता? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है, छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वो बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं, और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी क्यों ना पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे, उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तो गुरुदेव ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े, और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वो इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है, और यह हमें 20-25 रुपए में मिल जाएगी, और यह सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद है, और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं, और वहीं गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमीन गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाता है तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है, पेट में पचने के बाद वो छोटी आंत में जाता है, और फिर छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय के अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18-20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6-7 घंटे का समय लगता है, और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो हैं वह एक दिन में ही पक जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता ही नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है, और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है, पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में, और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारे यहां से भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारे यहां से गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी, और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कर्मरोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो लिया, तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहले चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारणी कहा गया है, यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते ना सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं, आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं, और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमीन गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है, और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फोड़े हैं
वह हमारे शरीर में जमीन गंदगी के कारण होते हैं। निम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी ये खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। निम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है, डायबिटीज के मरीज के लिए। निम का पानी जो है वो रामबाण दवा है, क्योंकि निम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। निम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगे और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती हैं। निम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। एक ग्लास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डायबिटीज के जो मरीज हैं वह पानी में शहद ना मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि यह आंवला आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बांट जाएगी, रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है, जैसी भी आपको स्क्रीन एलर्जी है वो खत्म हो जाती है, आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है, आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लिवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है, आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी बात पित्त कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज एक ग्लास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को सीप सीप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसीलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर या गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है, क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है। रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपके चेहरे की झुर्रियां कील मुहां से चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों, आपके लिवर को मजबूत करता है, लिवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लिवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है, और करता है, भोजन ठीक से पक जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफरा, सिरदर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले आशि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां मेन, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को भी ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोए वेरा। एलोए वेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दोनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोवेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोवेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है, जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है,
कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है, इससे मोटापा भी घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन न करें। फिर गुरु पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगे में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। फिटकरी के इतने फायदे हैं, हमारे शरीर के लिए आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। यह एक सफेद कलर के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीस कर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद एक ग्लास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। यह हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए। इसीलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से यह टॉक्सिन को बाहर निकलता है। इसलिए फिटकरी को रक्त निवारण और क्षति भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है। तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, तो इसको लेने से वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, फाइल की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालने में यह रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हो, मसूरे फूल गए हो, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला लें और उससे तुलना कर लें, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ गया हो, तो फिटकरी का एक चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कॉफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन ना करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों के 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज है जो हमें माँ प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वो 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन ये आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम ये है 10-20 रुपए की चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और अष्टपुष्प बने रहेंगे। एक बार एक लड़का जो अपने बड़े हुए वजन से बहुत परेशान था, वह इतना परेशान था कि वह हर कीमत देने को तैयार था। बस कोई उसे उसके वजन को कम करने की दवा के बारे में बता दें। उसने काफी सारे नुस्खे आजमा कर देख लिए, लेकिन फिर भी वह अपनी समस्या से निजात नहीं पा रहा था। उसको एक दिन किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक आयुर्वेदिक गुरु रहते हैं जो हर तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का हल लोगों को बता देते हैं। यह सुनकर वह लड़का भी उन गुरु के पास गया और उन्हें जाकर अपनी सारी समस्या कह बताई। इसके बाद गुरु ने बोला कि बेटा, हमारा आहार ही हमारे वजन को घटाने में 100% भूमिका निभाता है। इसलिए बेटा, मैं आज आपको 7 ऐसे चमत्कारी आहार बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपने वजन को आसानी से घटा पाएंगे, और वह भी बहुत कम दिनों में। और यह चीजें जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, वह सिर्फ तुम्हारा वजन ही कम करने में सहायता नहीं करेगी, बल्कि यह सभी चीजें आपके शरीर की संपूर्ण हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा देगी। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि जो भी मैं चीजें तुम्हें बताऊं वह तुम्हें आसान तो लग सकती है, लेकिन उन्हें अपनाकर, उन्हें अपने जीवन में उतारने से आप बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा फायदा देखने वाले हैं। इसीलिए मेरी पूरी बातें ध्यान से सुने और अच्छे से समझें। इसके बाद वह गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहली चीज आपको इस्तेमाल करनी है वह है गर्म पानी। बेटा, सुनने में यह बहुत ही आसान लग सकता है, लेकिन गर्म पानी पीने के फायदे यकीन मानिए बहुत बढ़िया है। इसके फायदे ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आप भी गर्म पानी पीना अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे। गर्म पानी से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है, और जब आपका पाचन तंत्र बढ़िया होगा तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा बनता है, और आपके मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध होता है आपकी कैलोरी बर्न करने से। यानी जब आपकी कैलोरी बर्न होगी तो सीधी सी बात है आपका वजन कम होगा। सिर्फ गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह 30% तक अच्छा बन सकता है, जिससे आप अच्छे से कैलोरी बर्न कर पाएंगे और आप बैठे बैठे ही अपना वजन कम कर पाएंगे। आगे गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपना वजन घटाना है तो तुम्हें हर वक्त गर्म पानी ही पीना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें यह कठिन लगता है और तुम हर वक्त गर्म पानी नहीं पी सकते, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो अपने पेट को देनी है वह है गर्म पानी। आप सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। वरना आप यह नहीं डालते हैं तो भी साधारण सा गर्म पानी भी आपको बहुत फायदा देगा। इसके बाद वह गुरु लड़के को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है अदरक का पानी। जब साधारण सा गर्म पानी ही आपके वजन को घटा सकता है तो सोचिए, अदरक का पानी तो और भी ज्यादा ताकतवर है। इस मामले में अदरक का पानी भी वजन को घटाने में आपकी बहुत सहायता करेगा।
अदरक में जिंजरल नाम का एक गुण होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और यह आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है। अदरक का पानी आपके फूले हुए पेट को कम करता है। जब आपको खाना खाने के बाद अपना पेट फुला फुला सा नजर आता है तो अदरक का पानी उसको भी कम करता है। अदरक का पानी बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको एक ग्लास पानी लेना है और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसमें कूट कर डाल देना है और इसके बाद उस पानी को गर्म करना है। अच्छे से उबाल लेने के बाद आपको इस पानी को छान लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको इस पानी का सेवन करना है। आप इसको खाना खाने के 10 मिनट बाद पी सकते हैं और आप इसको दिन में 2 बार पी सकते हैं। अगर आप ऐसे इसको दिन में 2 बार पीते हैं तो आपका जो वजन है वह बहुत जल्दी घटेगा और ये आपकी हेल्थ में काफी बदलाव लाएगा। बेटा, आपके शरीर में जितना भी फैट जमा हो रखा है उसको ये अदरक का पानी गला देता है और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा और आपके पाचन क्रिया को भी इम्प्रूव करेगा और आपका खाना अच्छे से पचेगा और आप काफी हल्का हल्का महसूस करेंगे। इसके बाद गुरु उस लड़के को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपके वजन को घटाने में आंवले का जूस भी काफी फायदेमंद है। बेटा, आंवले में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये आपके शरीर की चर्बी को भी तोड़ने का काम करता है। और हमारी उम्र के साथ या फिर हमारी खराब जीवन शैली के कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है उसको भी ये सही करता है। अगर आप आंवले का जूस से आपके वजन को घटाना चाहते हैं तो इसको पीने का सबसे बढ़िया समय सुबह का होता है और आप चाहें तो इसको शाम में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि इसका जूस आपको अपने घर पर ही बनाना है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक ताजा आंवला लेना है और उसे बारीक बारीक काटकर उसमें एक ग्लास पानी डालकर उसे मिक्सी में पीस लेना है और ऐसा करने से आपके आंवले का जूस बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज बहुत किया करते थे। यह एक सुपर फूड माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से यह जो हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। फिर गुरु आगे कहते हैं कि जो कि पानी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है या आपके पेट को भी साफ करता है और आपको बहुत देर तक भूख का एहसास भी नहीं होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।